Neutral National Repatriation Commission, India was the chair. So India was responsible for the fate of 20,000 war criminals. China is using its all kind of softwares, artificial intelligence, data storage facilities, everything, and it is trying to develop the road is very close, was very close to your chicken's neck, that is your Siliguri corridor. Even India can be, India is eager to join BCIM, why not BRI? Click to subscribe to the channel and then press the bell icon to get regular updates of videos, live sessions, and important seminars. BCIM, Economic Corridor. What is BCIM? Bangladesh, China, India, Myanmar Economic Corridor. That was also in the news. This is a 2800 kilometer long corridor. What is the history behind this? Ye kya hai, kab se shuru hua hai? मनमोहन सिंह के टाइम से है ये जो है आपका ठीक है इट्स नॉट कि इट्स अ लेटेस्ट थिंग बट ऑफ एंड ऑन द थिंग्स आपका 1990s में ही कंसेप्चुलाइज हुआ था ये ठीक है कुनमिन इनिशिएटिव के नाम से जो कि कई बार इसको कुनमिन टू कोलकाता कॉरिडोर भी कहते हैं है ना कुनमिन इज इन चाइना to Kolkata. So Kunmin initiative 1990s mein start hua tha. Initially it was a track for India it was a track 2 diplomacy. Track 1, track 2 we have done in the class. Okay, so it was a track 2 diplomacy for India but for China and Myanmar since beginning it was a track 1 diplomacy. Matlab ki wo formally leke chal rahe the aur hamara informal talks maan ke chal rahe the. But 2013 onwards we have also started giving taking it seriously and track 1 diplomacy mein isko hum leke aaye theek hai. So this is basically your connectivity corridor from China to your Kolkata. Kunmin to Kolkata corridor bhi isliye isko kehte. Now, why we are saying ki it should be there, matlab abhi tak ye baat to chal rahi hai, but it has not been operational, hai na? Nothing much on the ground for this. We are trying to be a part of this, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? कई बार आपने newspapers में you might have read that given India can be, India is eager to join BCIM, why not BRI? ठीक है तो इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है बीआरआई में जो आपका सीपीसी इज आर इशू है ना दैट इज पासिंग थ्रू योर गिलगित बल्तिस्तान दैट एंड द थिंग इज नॉट हियर लाइक दिस सो व्हाई इंडिया इज अग्रीइंग और इज ईगर और व्हाट आर द पॉजिटिव्स और पॉसिबिलिटीज दैट इंडिया विल बी गेटिंग आफ्टर जॉइनिंग इट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव क्या है बीसीआईएम कॉरिडोर अगर इंडिया जो है अग्री कर जाता है ग्राउंड रियलिटीज उसकी अगर वर्कआउट करते हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस बीसीआईएम कॉरिडोर पॉजिटिव्स क्या हैं इंडिया के लिए इसमें एक्ट ईस्ट ओके एक्ट ईस्ट किसी ने बोला नॉर्थ ईस्ट और क्या है ट्रेड मतलब ये जो रीजन है जो आपका बेल्ट है ना इट्स अ मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री मार्केट्स चाइना साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया ठीक है एंड ये जो है आपकी ह्यूज पॉपुलेशन इन दिस एरिया सबसे पहले जब भी बेनिफिट की बात करते हो तो वहाँ पे आप देखो स्टेटस क्या है डेवलपिंग है डेवलप्ड है अपने आप उससे आपको पोटेंशियल पता चलता है वेन यू सी द पॉपुलेशन ऑल्सो एंड देन दो बिगेस्ट फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द रीजन इज देयर तो ऑफकोर्स इट हैज़ ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड वेन यू सी द कंट्रीज हियर तो दीज कंट्रीज कैन एक्सप्लॉयट ईच अदर कॉम्प्लीमेंट टेरिटरीज इन ट्रेड मतलब कि चाइना जो है उस वो क्या है मैन्युफैक्चरिंग का लीडर है इंडिया सॉफ्टवेयर का है ठीक है उसी तरह बांग्लादेश है बांग्लादेश में आपका लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है म्यांमार जो है वहाँ पे आपके पास रॉ मटेरियल है काफ़ी ठीक है तो ये एक दूसरे की मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंटरिंग ईच अदर तो दे कैन एक्सप्लॉयट द कॉम्प्लीमेंटारिटीज एक दूसरे के साथ दैट कैन बी अ ह्यूज सक्सेस अगर ये ग्रुप बनता है
इसके अलावा जो है ये जो आपका एरिया है जो BCIM वाला एरिया है यहाँ पे जो है इवन द सोशल डेवलपमेंट इज नॉट मच. ठीक है, तो इट विल बी फॉर लोकल पीपल, इट विल बी अ बून फॉर देम. वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड बी देयर, मोर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वुड बी देयर. ठीक है, तो वंस यू हैव दिस काइंड ऑफ कॉरिडोर्स इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक, यू हैव अदर काइंड ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो हियर. ठीक है, सो जस्ट राइट पॉइंट्स. नंबर वन, दिस एरिया, दिस रीजन हैज approximately 40% of the global population and two big economies, India and China. Second, provides opportunity to the member countries to exploit each other's trade complementarities. Example, China manufacturing, India service, Bangladesh low cost manufacturing, Myanmar cheap labor, raw material, minerals, etc. ठीक है, नेक्स्ट, shortest route between Kolkata to Kunmin. Now, another important point is this can be a major energy trading route. कैसे? क्योंकि चाइना का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, इसमें जो चाइना आएगा, this would be your China, है ना? चाइना के बाद जो है यहाँ का जो चाइना का आपका जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, दैट इज़ जो आपका यूनान प्रोविंस एंड गुंजाओ, ये सारे जो आपके इधर आते हैं, ये आपके एनर्जी हैं यहाँ पे. ठीक है, एनर्जी वाला एरिया है. देन यू कम टू बांग्लादेश. बांग्लादेश हैज़ ह्यूज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस. म्यांमार हैज़ ह्यूज रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैस. देन यू कम टू इंडिया. इंडिया में कौन सा है आपका? असम और जो त्रिपुरा वाला रीजन है, दैट इज अगेन यू हैव द एनर्जी. सो इट, अगर ये इफ इट इज डेवलप्ड प्रॉपरली, इट कैन बी अ बिग एनर्जी कॉरिडोर फॉर दीज कंट्रीज, एंड ऑल दीज कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, तो इनको एनर्जी चाहिए और वो हमें आराम से मिल जाती है. इट्स नॉट ओनली दिस, इवन HEP पोटेंशियल इज वेरी हाई हियर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल जो आपका नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, इन सब एरियाज में, तो वी कैन ऑल्सो एक्सप्लॉइट दैट. सो अनदर पॉइंट, इट कैन बी अ एनर्जी कॉरिडोर एज द साउथ वेस्ट चाइना, ब्रैकेट में लिख लो जो आपका यूनान गुंजाओ प्रोविंस वगैरह है, गुजाओ, GUIZOU, गुजाओ, रिच इन एनर्जी रिसोर्स, बांग्लादेश huge natural gas, then Myanmar has gas fields, then northeast India, Assam, Tripura, aapka oil vagera hai idhar,
Also, this region has huge potential of HEP. And this zone also has coal, petroleum, manganese. ठीक है तो एनर्जी के लिए भी इट कैन बी अ वेरी गुड कॉरिडोर एनर्जी के लिए ठीक है एंड देन इफ यू सी दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो आपका डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वुड फर्दर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी ठीक है डेवलपमेंट होगी आपकी अगर यहाँ डेवलपमेंट होगी तो इट देर विल बी मोर स्टेबिलिटी इन द रीजन विच इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ठीक है म्यांमार में भी इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में भी है आपकी और तो अगर आपके यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी कॉरिडोर से तो दिस होल रीजन वुड बी स्टेबल तो दैट स्टेबिलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड रीजनल स्टेबिलिटी फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड देन ऑफकोर्स वेन दिस इज देयर देन मोर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सोशल डेवलपमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स कैन ऑलवेज बी एडेड टू दिस सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ BCIM कॉरिडोर जो कि ऑन एंड ऑफ न्यूज़पेपर्स में आता रहता है ठीक है एंड द क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो देयर BRI तो BRI इज टू मच इन द न्यूज सो दे माइट इवन आस्क योर BCIM कॉरिडोर जैसे उस दिन बोला कि ट्रेड वॉर हो रहा है तो दे माइट सिंपली आस्क द रेलिवेंस ऑफ WTO rather than asking directly on trade war. Now, what are the challenges? Matlab, it has been in talks since so long. 1990s say we have been talking for BCIM corridor, but things are not happening on the ground. So, what are the challenges or what are the hurdles? Kyun nahi ho pa rahe? Sabse bada issue hai ki China is making it a part of BRI. China is having, it's in plan to make it a part of BRI. So India is opposing to it, number one. Number two is, like, what is happening is, ki kehte hain agar ye corridor ban jayega, toh maximum benefit would go to China only because all the countries in the region are having trade deficit with China. ठीक है? और क्या है? और ये कि चाइना इज सपोर्टिंग लाइक वी हैव इंटरनल सिक्योरिटी में वी हैव डन इट कि चाइना इन ऑन द लैंड ऑफ चाइना वी हैव सीन दैट मेनी इंसर्जेंट ग्रुप्स आर दे आर गेटिंग आर्म्स अम्यूशंस एंड ऑल नाउ सो इफ द वे इज मेड वेरी नाइसली एंड देन दीज थिंग्स माइट हैपन मोर आपका जो आर्म्स इन्फिल्ट्रेशन है ड्रग ट्रैफिकिंग इस रूट में है तो इट विल बी मोर ईजियर टू do that then this region has dense forest northeast wala jo aapka aur ye sara belt it has dense forest so there are ecological implications also theek hai ye kuch sare challenges aa rahe hain isme to right number 1 it's a part of BRI hence india china issue number 2 all the member countries have trade deficit with china and this would further flood the And this would further flood their markets with cheap Chinese goods. Third, already Indian insurgent groups are getting support from China, Myanmar. And this corridor might
make the things further easy for terrorist infiltration, drug smuggling, arms smuggling, etc. Drugs smuggling, arms smuggling, etc. Then the region is densely forested. The region is densely forested, hence environmental issues. ठीक है, so way forward क्या होना चाहिए? Way forward should be कि before joining this, at least जो border disputes हैं वो आपके properly solve होने चाहिए with the countries. Border disputes आपके clear होने चाहिए. Border should be properly demarcated. Number two is कि India should persuade to make it a part of Act East rather than a part of BRI. ठीक है, अब हम इसको एक्ट ईस्ट से कनेक्ट करें रादर देन BRI. एंड देन थर्ड थिंग इज कि एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज कंसर्न, तो इट शुड पास थ्रू मैक्सिमम ऑफ योर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तभी इसका फायदा है, अदरवाइज नहीं है. ठीक है, अगर एक दो जगह है तो नहीं है. उसके अलावा जो है, टिल ओके इफ वी हैव कंसर्न्स कि चाइना इज देयर, देन alternate jo we are planning, that should also be our project, should be expedited, like IMT corridor, Sitwe project. Theek hai, matlab aisa totally dependence on this should not be there, rather we should have alternatives also ready, hai na. Matlab agar aapka total dependence ho jata hai, then it becomes a problem, but when you have the options, then you should go for that, no, then dependence kam ho jati. Rather than totally depending on this, we can simultaneously also expedite our process of Sitwe project, jo Kaladan multimodal project hai, then IMT corridor, India-Myanmar-Thailand corridor. So these things can be given, and something else agar aapke dimag mein kuch positive aata, we can, and environmental issues before going for it, आपका environmental impact assessment आपको देखना पड़ेगा इसका. ठीक है, then comes your Doklam, जो हुआ है पिछले Doklam, तो इतना हो चुका है कि सबको रट गया होगा. What is this Doklam issue? The lessons that we have learned from Doklam, that is the major issue, major thing, no? So what is this Doklam issue, tell me. अभी रिसेंटली भूटान एंड चाइना आर ऑल्सो अंडरगोइंग टॉक्स टू रिजॉल्व देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, दैट ऑल्सो इंडिया नीड्स टू सी, क्योंकि गिव एंड टेक की बात हो सकती है कुछ भी, है ना. इट्स द ओनली टू कंट्रीज जिसके साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, वन इज योर इंडिया एंड सेकेंड इज भूटान, बाकी सबके साथ उसने रिजॉल्व कर लिया. जो आपका SCO था बेसिकली वो क्या था, इनिशियली इट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन जो शंघाई 5 था, तो 4 कार कंट्रीज प्लस चाइना जो था, इन्होंने इसलिए फॉर्म किया था अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए. द बेसिक रीजन बिहाइंड शंघाई 5 वॉज टू गो फॉर द बॉर्डर डिस्प्यूट. तो सबके साथ सेटल हो चुका है चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट एक्सेप्ट इंडिया एंड भूटान. एंड विद भूटान अभी रिसेंटली यू ऑल्सो माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर दैट नाउ दे आर अगेन ट्राइंग टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट. बट एनीवेज, व्हाट वाज डोकलम, फटाफट बताओ, ये तो सबको पता है. डोकलम में क्या हुआ था, स्टैंड ऑफ फॉर ऑलमोस्ट 70 डेज, ठीक है, 70 प्लस डेज आपका चला था ये. व्हाट हैज हैपेंड इज वेरी ब्रीफली दैट चाइना वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ ऑल वेदर रोड, ठीक है, जो आपका डोकलाम रीजन में है, इट वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ ऑल वेदर रोड, मींस कि आपका हर वेदर में वो रोड काम आ सके. तो ऑल वेदर रोड जहाँ पे हैवी व्हीकल्स कुड ऑल्सो अप्लाई. सो व्हाट वाज द रीजन व्हाई लाइक what was the issue with India, theek hai wo apni road bana rahe hain, but the thing is the road is very close, was very close to your chicken's neck, that is your Siliguri corridor. And second thing is, or agar if Bhutan, sorry, if China comes very close
to this Siliguri corridor, it might choke it, number one. Second thing is ki agar wo bahut close aa raha tha, jo wo apna bol raha hai ki this is my territory, agar wo wahan tak aa jayega to it will be very close to many of our HEP projects also, jo ongoing hamare jaise Jhaplang and all those projects jo hain West Bengal vagera mein, to wahan pe bhi bahut close aa jayega. To wo strategic importance ki cheeze hain. Third thing is wahan se wo agar wo aur close aata hai to Bangladesh ke bhi wo bahut close aa jayega, to hamare bilkul close ho jayega. To that is something which is of not of our, matlab that is not good for, it's not favorable for us. Theek hai, to strategically important area hai ye. And yahan pe there is a tri junction. Theek hai, tri junction means three points jahan pe teeno country ki borders milte hain. To actual dispute is China is saying that tri junction jo hai bahut niche ki taraf hai, south ki taraf, but hum log, we means हम और भूटान कह रहे हैं कि ये ऊपर है, बिकॉज इफ इट इज सेइंग इट इज फर्दर डाउन साउथ, तो इट इज कमिंग वेरी क्लोजर टू योर टेरिटरी ऑफ इंडिया, बॉर्डर ऑफ इंडिया. ठीक है, ये हमने क्लास में भी किया हुआ है, इट जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर यू. तो वो जो ट्राई जंक्शन का पॉइंट है वो कह रहा है कि इट शुड बी माउंट जिमोचे, जिपमोचे और जिमोचे, और हम बोल रहे हैं वो बतांगला है. ये सारे आप अपने क्लास के नोट्स देखोगे तो उसमें है. तो बतांगला हम बोल रहे हैं, वो बोल रहा है माउंट जिपमोचे नीचे की तरफ है. इट हैज सेड दैट कि 1890 की जो ट्रीटी है, अकॉर्डिंग टू दैट दिस पर्टिकुलर रीजन इज इन चाइनाज टेरिटरी. लेकिन हमने कहा कि जो 1890 की ट्रीटी है दैट इज बिटवीन योर इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत. तो उस टाइम उसमें भूटान है ही नहीं इन्वॉल्व, तो हाउ कैन यू से कि मतलब भूटान इज सेइंग कि हमारा तो इसमें कोई मतलब वी वर नॉट इन्वॉल्व, तो एंड दिस इज आवर टेरिटरी राइट नाउ, तो यू कैन नॉट यूज 1890 ट्रीटी एंड कैप्चर आर टेरिटरी. ठीक है, तो ये जो हमने क्लास में उस टाइम किया था ये इसका बैकग्राउंड है. नाउ द करेंट इशू इज, क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये पूरा नहीं पूछेंगे कि वॉट इज डोकलाम इशू. डोकलाम इशू अगर पूछते भी तो इट इज बेसिकली द लोकेशन ऑफ ट्राई जंक्शन. ठीक है, बेसिक इशू इज लोकेशन ऑफ ट्राई जंक्शन जो है आपका, कि वो कहाँ पे ट्राई जंक्शन फिक्स करना है. एंड द दिस लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज ओवरसीइंग योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एंड इफ चाइना कम्स क्लोजर टू इंडियन टेरिटरी देन दैट इज नॉट गुड फॉर अस. ठीक है, मिलिट्री एडवेंचर्स भी वहाँ पे किए जा सकते हैं चाइना की साइड से. एंड सेकेंड थिंग इट विल बी कमिंग वेरी क्लोज टू योर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट HEPs ऑल्सो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, एंड देन वेरी क्लोज टू इवन योर बांग्लादेश. ठीक है, विच इज नॉट इन आर फेवर. सो वॉट हैज हैपेंड इज देयर हैव बीन अ स्टैंड ऑफ, ये भूटान की टेरिटरी में है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज फॉट अगेंस्ट सम कंट्री इन थर्ड कंट्रीज टेरिटरी. हमारे यहाँ नहीं आए थे लेकिन वी हैव अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद भूटान, सो वी हैव स्टूड बाय भूटान. तो इससे पूरा लर्निंग प्रोसेस क्या हुआ, वन थिंग इज इट हैज गिवन अ क्लियर सिग्नल टू द नेबरहुड दैट इंडिया विल ऑलवेज स्टैंड बाय इट्स नेबर्स. ठीक है, जिसके साथ ट्रीटी है दैट वॉज अ पॉजिटिव थिंग. सेकेंड थिंग इज कि ये इतना आराम से जो है कैसे, मतलब वट वर द रीजन्स वाई द स्टैंड ऑफ वॉज, इट वॉज इमिडिएटली इट स्टॉप्ड. ठीक है, जो स्टैंड ऑफ था इट वॉज फिनिश्ड इमिडिएटली. वट कुड बी द पॉसिबल रीजन्स फॉर इमिडिएट फिनिशिंग ऑफ दिस, इट इज सेड दैट उस टाइम पे ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस थी, इफ यू कुड रिकॉल दैट टाइम ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस थी. तो इंडिया वॉज कि इफ द स्टैंड ऑफ इज देयर इंडिया वुड नॉट पार्टिसिपेट इन ब्रिक्स, एंड ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना बिकॉज वो जो है आपका US जो वेस्टर्न हेजिमनी को डोमिनेट की डोमिनेंस को हटाने के लिए, इफ यू कुड रिकॉल वर्ल्ड बैंक और IMF के अगेंस्ट जो है यहाँ पे ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ऑल दोज थिंग्स, ब्रिक बैंक एंड CRA वगैरह हमने किया. ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ये सारी जो चीज़ें हमने की है. तो अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये वीक हो जाता. तो वन थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग इज Another reason given is कि उनका 19th कांग्रेस होने वाला था जिसमें शी जिनपिन हैज गॉट ऑल द पावर्स एंड बिकम प्रेजिडेंट फॉर लाइफ टाइम. तो उस टाइम पे भी डिड नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. नंबर थ्री, अगर आप देखोगे तो चाइना अपने हमेशा उसमें बोलता है कि पीसफुल राइज ऑफ चाइना टर्म यूज करता है, तो दैट
term would have been contradicted ki wo war kar raha hai countries ke saath. So peaceful rise of China, that image it wanted to continue with. And fourth thing is China is right now focusing on its developmental projects, BRI aur ye sara. Agar eastern border mein agar problem hoti, to there might have been problem in the western sector also. To western sector mein uska CPC corridor hai, yahan se energy corridor hai, to sari cheeze hai. And fifth point was, it was said ki us time pe jo climatic conditions, because if it would have continued till November, December, in that case what would have happened, because we are right now at a strategically beneficial position. Hum upar pe hain, theek hai, China niche mein, aur agar wo uske paas uski jo bhi location hai wo harsh winters ke saath usko face nahi kar sakta tha. So it was always, it was a respectful retreat. To usse kya hua, China ka bhi reh gaya aur हमारा भी रह गया, ठीक है, अदरवाइज थिंग्स वुड हैव बीन वर्स. सो ये इसका ठीक, दिस इज अबाउट योर व्हाई दे हैव रिट्रीटेड. वन इज योर ब्रिक्स होने वाला था, सेकंड आपका जो है वहाँ पे उनका 19th कांग्रेस होने वाला था, थर्ड थिंग इज conditions would have become more harsher, and then another point is कि China is right now focusing more on the peaceful rise of its through its various projects. Developmental projects. तो अगर ये हो जाता है तो image would have got distorted. So these are some of the probable reasons for this. Now what is the learning for this? Learning for us from this whole episode is, number one is, this is, we cannot take it as a only incidence कि अभी ये हो गया फिर नहीं होगा. This might happen in future also. And right now we have a very assertive leadership, ठीक है, तो accordingly we need to prepare ourselves. आपको जो है military जो है आपकी, आपके जो equipments हैं, those things need to be prepared, क्योंकि ये it's not, we cannot have confidence on China कि this thing will not happen in future. तो हमें accordingly अपना जो है प्रिपेयर करना होगा. सेकेंड थिंग इज कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट है, टिल वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट द fear is always there. So we should focus more on resolving our border disputes. Okay? Which we are trying to do. That is why Wuhan conference and all sari jo bhi ho rahi hai, uske baad, they have, both the countries have given, both the leaders have given advisories to the armies, both sides, that they should maintain a very healthy communication and avoid these kind of situations in future. ठीक है, तो learnings हमारी यही है कि हमें जो है अपने आप को prepare करके रखना है, and साथ साथ जो हमें border boundary dispute जो है उसको resolve करने की कोशिश करनी है, और जितना formal informal platforms को use करके इसको हम resolve कर सकते हैं, कर सकते. We should try to do that. Okay, so that was Doklam. Then you talked about, somebody talked about Brahmaputra also. So Brahmaputra is what has happened, matlab last 1 year ke beech mein, there has been like flood, like wo muddy water aaya tha. They said, we speculated, India speculated that in Tibet area they are trying to test a underground tunnel. But they said ki wahan pe ek earthquake aaya tha and uske chalte jo hai wahan pe mudding of water hua. So that was one issue. Theek hai? So the issue is ki Brahmaputra river ka jo hai, पिछली बार जब डोकलाम और ये सारे क्राइसिस चल रहे थे, तो देर इज़ एन अग्रीमेंट, इफ़ यू कुड रिकॉल, हमने क्लास में भी किया कि देर इज़ अ डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट ऑल्सो. ठीक है, वो पर्टिकुलर रेनी सीजन में फॉर फ्रॉम मे टू जुलाई वी शेयर द डेटा ऑल्सो. सो इट हैज़ नॉट शेयर्ड द डेटा, बट इफ़ यू कुड रिकॉल अभी जो मीटिंग हुई है, तो नाउ दे हैव अग्रीड कि वी विल बी शेयरिंग द डेटा. द कंसर्न इज ब्रह्मपुत्र रिवर पे अगर इफ़ यू आर मेकिंग डैम्स, so we are a lower riparian country. तो lower riparian country है, तो हमारे यहाँ पे there will be impact. ठीक है, क्या impact होगा वो भी हमने class में किया था. The impact would be, one thing is आपके जो हमारे HEPs downwards, because we are a lower riparian, तो हमारे HEPs में water कम होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. आर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वुड गेट इम्पैक्टेड, आवर इनलैंड वाटरवेज वुड गेट इम्पैक्टेड, एंड देन हमसे नीचे जो वाटर शेयरिंग है, आपका जो इंडो गैंजेटिक तिब्बत से होकर के जो यहाँ वाटर आता है, वी फर्दर हैव अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद बांग्लादेश.
एंड एज पर दैट अग्रीमेंट कि जब लो वाटर होगा तो वी विल बी कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट. जब हमारे पास ही कम आएगा तो हम नीचे कैसे करेंगे. एंड देन इन केस ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में इफ इट इज मेकिंग बिग डैम्स, तो इन केस ऑफ अर्थक्वेक लॉस ऑफ लाइफ एंड collateral damage would be there. So these are some of the issues with respect to your Brahmaputra. Aur kya tha news mein with respect to China? Yehi sab cheeze thi ki aur bhi kuch tha? Yehi sari cheeze thi. और बाकी जो है आई वुड अगेन से कि प्लीज़ सी योर जो ट्रेडिशनल हमने क्लास में किया है कि बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए अभी तक कितने पैनल्स बने हुए हैं, कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, बिकॉज देयर माइट बी डोकलम वॉज द करंट इशू. सो दे माइट नॉट सिंपली आस्क, दे माइट आस्क कि अभी तक व्हाट ऑल हैव बीन द बाउंड्री डिस्प्यूट रिड्रेसल एफर्ट्स टेकन बाय बोथ द कंट्रीज. तो जो हमने क्लास में किया 2003 से लेकर के पूरा वो सारा एक बार दैट ट्रेडिशनल पार्ट ट्राई टू डू दैट. ठीक है, हाँ तो ठीक है, वो तो करता ही रहता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया. हमारा तो वो है ही है ना, वो है ही है. वी विल नॉट अब स्टेपल डेट स्टेपल पास वीज़ा एंड ऑल वो सब इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस हैं. इट्स लाइक लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन चाइना. देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन चाइना विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, है ना. नाउ BRI और CPSC कॉरिडोर, because BRI India has not joined it, so India was not, India has not sent anyone for BRI. या पहले जो इसको OBOR कहते थे, one belt one road. What is this BRI? We know that है ना, it has two component, continental as well as your maritime, है ना. Economic silk belt is your continental and your maritime silk route is your this maritime. Through this, China is trying to reach from China to your Europe, है ना. पूरा चाइना जो है आपका और कॉन्टिनेंट्स में जो है चाइना जो है अपने ऊपर मंगोलिया वगैरह में भी जाना चाह रहा है, सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया जाना चाह रहा है, फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया टू यूरोप. दैट वी हैव डन द बेसिक थिंग इन द क्लास. तो करंट में क्या है, करंट में देयर वॉज अ BRI समिट फॉर विच इंडिया हैज India has not agreed to this, so India has sent no representative. But on the other hand, Japan ने भेजा, US ने भेजा, though Japan is, they all talk about, जो हमने क्वाड में किया था, परसों क्लास में डिस्कस किया था कि क्वाड के जो मेम्बर्स हैं they are saying कि ये to check the hegemony of China, but they are sending their representatives to BRI, but India and right now Bhutan. The two countries in the neighborhood which have not joined BRI. So should India join BRI? Should not India join BRI? Why India is not joining BRI? Iske around questions bante hain aapke, hai na. So BRI India kyun nahi join kar raha? What are the reasons why we are not joining BRI? First is your CPSC corridor. CPSC corridor, it starts from your विच प्रोविंस? चाइना से स्टार्ट होता है, ये ग्वादर तक आता है. कहाँ से शुरू होता है? जिनजियांग प्रोविंस से स्टार्ट होता है, काश्कर टू ग्वादर. सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना बिकॉज दैट कनेक्ट्स योर मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ चाइना, दैट इज़ योर जिनजियांग, जहाँ पे ऑलरेडी जो है रिबेलियन है, उगूर ट्राइब्स आर देयर विच आर फाइटिंग फॉर देयर सॉवरेनिटी. तो उस एरिया को डेवलप करना है. सेकेंड पॉइंट इज इट वॉन्ट्स टू कम, वी हैव ऑलरेडी डन, जस्ट अ रिविजन काइंड ऑफ अ थिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास. सो दिस इज अ बेसिक थिंग. सो चाइना गेट्स अ ईजी एक्सेस टू इंडियन ओशन रीजन थ्रू योर ग्वादर पोर्ट. सेकेंड थिंग इज कि वंस द ग्वादर इज फुली ऑपरेशनल, डिपेंडेंसी ऑफ चाइना ऑन द मलक्का स्ट्रेट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. ठीक है, सो सम ऑफ द बेनिफिट्स फॉर चाइना, बिकॉज शॉर्टेस्ट रूट है इसका, डिपेंडेंसी ऑन मलक्का स्ट्रेट वुड बी रिड्यूस्ड, एंड देन फर्दर हेल्प इन योर जिंगजियांग प्रोविंस का डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो दैट इज वाई चाइना वॉन्ट्स टू हैव इट. बट इंडिया डज, इंडिया इज अपोजिंग इट बिकॉज योर CPSC कॉरिडोर पासिस थ्रू योर गिलगित बल्तिस्तान रीजन, विच
as per legally, it is, we say that this is our territory. ठीक है, so it is a sovereignty issue. We don't want any other country to be to have the sovereign rights on our region, on our land. Number one. Number two, why we are opposing for this? Another point is like, there will be China ka presence in the IOR region. Second point is, when China is becoming a party to your Gilgit-Baltistan, right now we are saying that India and Pakistan are the two countries which have to settle the disputes themselves. When China will be doing too much of investment there, then China becomes a stakeholder to this. Okay? So, agar China stakeholder ho jayega, toh wo indirectly would be a third party there. And then very close nexus of China and Pakistan border ke paas, and both are nuclear states. China and Pakistan both have nuclear states. Then another thing is, China wants the Pakistan army to play a dominant role in the protection of CPEC, and China also want the army to stand there and guard. So hamare bilkul frontier ke paas aapke armies hain, to hamare wahan pe bhi concerns hain. ठीक है, diplomatic and strategic concerns are there. And then if the Gwadar port becomes operational, so in case of any future volatile situation, that can be used as a naval base by China. तो ये सारे issues हैं, we are opposing it. But should India join it and should India not join it? What should India do for this? क्या किया जा सकता है? India should not join it. तो ये सारे reasons हैं why we are not joining it. But why should we join it? We should join it because अगर question आता है तो critically analyze, तो you have to give points there. No, morally आप बोलो हम नहीं कर रहे हैं, but point is कि neighborhood, all the countries are its members. ठीक है, and this huge infrastructure which would be created under your BRI project, India alone cannot do that. ठीक है, and the countries in the neighborhood, when they are part of it, can we stand alone? Then it is said that जो ये सारा infrastructure है, it's not only BRI project is, अगर आपको class की बात याद होगी, I told you it's not only about your ports and roads, it is beyond that. It is about your data cables also, satellite. तभी अभी अगर आपने ध्यान दिया हुआ तो recently coming in the news is your digital silk road. पढ़ा इसके ऊपर? Digital silk road. BRI is not only about your ports and roads, it's an airports. Beyond that, it is also about your digital connectivity, underwater cable connectivity, satellite ka jo connectivity, everything is there in this BRI. So that kind of huge vastness that the project is giving, can we do it all alone? ठीक है, future is Asian century, so can we stay back from it? तो नहीं किया जा सकता. तो these are some of the reasons. Now the current में क्या हुआ है कि like what should India do? Like India has been waiting and watching and raising the voice against this. So if you see in the current what has happened, BRI is not in a very like the steadily it was moving. जितना इसकी बात हुई थी, अभी वो उतना steadily move नहीं हो रहा है. If you see the current speed of BRI, it is facing problems across. Malaysia mein what has happened? Jo many of the projects which were under BRI, they are now thinking of cancelling it. Hold pe dal diya. That is why even the new government which has come to power, one of the reasons of coming to power is because wo Chinese projects ke against. उन्होंने बोला महातीर जो आए हैं, he has won against this. ठीक है, if you see the same example in Sri Lanka also, the previous government lost the elections because of over indulgence with China. ठीक है, उसी तरह when you come to Myanmar, Myanmar में भी जो आपका Indian Ocean region में China is developing a port. So it is said that they want the Chinese role to be shortened there. Usko cut karna chah rahe, because otherwise they will get into a debt trap of
$10 billion. ठीक है, तो वो भी अपना साइज कट करने की बात कर रहे हैं. दे आर सेइंग दैट चाइनीज शुड रिड्यूस द साइज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट. म्यांमार ने भी बोल दिया. सो व्हाई ऑल दिस थिंग हैज हैपेंड, बिकॉज द कंट्रीज आर नाउ रियलाइजिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर लोन्स फॉर दीज थिंग्स एड्स हैज लेड श्रीलंका टू सेल इट्स एसेट्स. हम्बनतोता पोर्ट में वो डेट ट्रैप में फंस गया. सो नाउ द कंट्रीज आर रियलाइजिंग कि जो चाइना का वे ऑफ BRI इज, इट्स नॉट डेमोक्रेटिक. इट इज पुटिंग द कंट्रीज अंडर डेट ट्रैप. इवन CPSC कॉरिडोर, यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स 5-6 मंथ्स बैक, देयर हैव बीन लॉट ऑफ नॉइसेस वॉइसेस अगेंस्ट CPSC कॉरिडोर. इवन इन पाकिस्तान ऑपोजिशन इज नॉट हैप्पी विद CPSC कॉरिडोर. ठीक है, सो इफ यू एनालाइज ऑल दीज इवेंट्स दैट हैव हैपेंड, यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइना टू गेट द प्रोजेक्ट थ्रू डेमोक्रेसीज. जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पे ये बहुत डिफिकल्ट है इसको CPSC कॉरिडोर को लेके जाना, बिकॉज CPSC इज वेरी ओपेक, बहुत ओपेक है. मतलब BRI प्रोजेक्ट इज़ वेरी ओपेक, ओपेक इन द सेंस कि चाइना को ही पता है वो क्या करने वाला है. उसने डेमोक्रेटिकली सबसे सबको, इट हैज़ नॉट टॉक्ड अबाउट द होल प्लान विद एवरीवन. सो जहाँ जहाँ पे भी आपकी डेमोक्रेसीज हैं, बीट मलेशिया, बीट श्रीलंका, बीट म्यांमार, ऑफकोर्स इट्स नॉट 100% डेमोक्रेसी बिकॉज स्टिल 25% ऑफ द वोट्स सीट्स आर विद योर आर्मी देयर, बट स्टिल वहाँ पे भी अपोजिशन हो रहा है. तो what India was trying to convince, tell to the world initially is now being seen by other countries also. So we should not be in a hurry. ठीक है, वो अपने आप automatically अब countries को दिख रहा है, BRI जो है वो कम हो रहा है. So what we can do is, one thing is this. Second thing is, we are saying कि CPSC corridor जो है, it passes through Gilgit, Baltistan and Gwadar. We can convince China कि ठीक है इसी रूट से आप गिलगित बल्तिस्तान से, why not make it a ICEC corridor, India China economic corridor, गिलगित बल्तिस्तान से आप इधर ले आओ, नॉर्थ की तरफ ले आओ, हमारे जम्मू कश्मीर पंजाब रीजन में ले आओ, बिकॉज वी से गिलगित बल्तिस्तान इज आवर्स. ठीक है, बिकॉज इफ यू कुड रिकॉल, your chief minister of Jammu and Kashmir has also said that ki now we should think of joining CPSC corridor because that will be for the development of our people. To agar hame development hi karni hai and if we should engage with China, then why can't we try to persuade China to make a corridor like this. ठीक है, वैसा भी हम कर सकते हैं कि आप उधर मत जाओ, आप हमारे पास लेके आओ कॉरिडोर, अगर हम अपने लोगों की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. दैट कुड बी वन थिंग. सेकंड थिंग इज, वी शुड नॉट बी इन अ हरी टू से टू मच अगेंस्ट और पॉजिटिव फॉर दिस, बिकॉज इफ प्रैक्टिकली थिंग्स आर हैपनिंग देयर, एंड इन द मीन टाइम वी शुड डेवलप अवर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो, बिकॉज CPSC कॉरिडोर या BRI प्रोजेक्ट, वट एवर चाइना इज ट्राइंग टू डू, तो हमारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वी शुड गो अहेड विद दैट फास्ट कम्प्लीशन ऑफ आर प्रोजेक्ट्स, रादर देन क्रिटिसाइजिंग देम वी शुड गो फॉर फास्ट कम्प्लीशन ऑफ आर प्रोजेक्ट्स. सो द करेंट स्टेटस ऑफ जो BRI, जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कंट्री के, आप लिख लो ये जो करेंट में हुआ है, यू कैन यूज इट समवेयर अगर कोई वैसा क्वेश्चन का डिमांड आता है. Malaysia has halted Chinese projects worth $22 billion including a controversial rail link, because you will not find these examples at one place. ये अलग 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 हैं, तो आप लिख लो, कहीं पे आपके काम आ सकते हैं BRI के अगेंस्ट में या कुछ आंसर लिखना हो. इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रोवर्शियल रेल लिंक अलोंग इट्स ईस्टर्न कोस्ट, है ना, ये डिसीजन इमिडिएटली लिया. किसने लिया? महाथीर मोहम्मद, जैसे इन्होंने ज्वाइन किया. ठीक है, अभी इलेक्शंस हुए मलेशिया में, जैसे ही उन्होंने नई गवर्नमेंट आई, सबसे पहला डिसीजन ये था. एंड द रीजन गिवन बाय देम इज एग्जांपल ऑफ श्रीलंका.
कि जैसे वो डेट ट्रैप में आ गया हम नहीं आएंगे. अनदर एग्जांपल इज म्यांमार ऑल्सो वॉन्ट्स द पोर्ट दैट चाइना इज building on its Bay of Bengal side. To scale down. The port is important for China to reduce its dependency on Malacca Strait. The port is important for China to reduce its dependency on Malacca Strait. Third is, Sri Lanka is already under the burden of Chinese debt. Next, even in Pakistan, voices are being raised against CPEC. And some senators have termed it as next East India Company. And very recently, out of 27 European Union members, recently 27 European Union ambassadors to Beijing, 27 European Union ambassadors to Beijing have signed a report. 27 European Union ambassadors to Beijing have signed a report noting that the BRI runs counter to European Union agenda for liberalizing trade and pushes the balance of power in favor of subsidized Chinese companies. ठीक है. एनालिसिस इसका जो भी है, इसका जो एनालिसिस है, चाइनाज रेपुटेशन हैज कम डाउन ड्यू टू इट्स लेइंग ऑफ डेट ट्रैप्स. Second, it is very difficult for China to navigate through democratic countries where opposition play a dominant role. India should not be in a hurry to join it, rather simultaneously build its alternatives. The concerns which were raised by India
are now getting voice. Through other countries also. ठीक है? What is this digital Silk Road? Actually, there have been articles also in the newspaper, Digital Silk Road. What is this? Basically, China is trying to get into the neighborhood, jo bhi aapka BRI countries hain, wahan pe digital infrastructure, satellite ka use karke, digital infra or the modern technologies use karke, unki economies ko, unke social activities ko dependent bana raha hai apne upar. That is your digital silk road, theek hai? Agar wohi first class, if you could recall when we talked about this BRI in the classroom, so we talked about ki BRI is not about only your roads and that. I have given you to read that World Bank document also. Pata nahi aap logon ne kitno ne padha tha ya nahi tha. To dheere dheere pata chal raha hai ki Silk Road is not only that. So now digital Silk Road is just, if you want to write definition, it is about strengthening internet infrastructure, deepening space cooperation, lowering barrier to e-commerce, there was a C. Rajamohan ka article also kuch time pehle iske upar. Many times jo articles aa rahe hote hain uske upar aapko questions aa jate hain Hindu Indian Express mein, hai na? Developing common technology standards. Common technology standards, promoting cyber security, and improving the efficiency of policing systems along the BRI countries. Improving the efficiency of policing systems along the BRI countries. China is trying to deploy its nationally developed platforms based on artificial intelligence, big data, cloud computing, quantum computing to pursue these goals. So what is this digital Silk Road or Silk Route? What China is trying to do is, China is using its all kind of softwares, artificial intelligence, data storage facilities, everything, and it is trying to develop the systems, e-commerce jo hai aapka aur aapka jo internet hai, aap dekho ki China jo internet connectivity de raha hai Nepal mein, agar aapko yaad hoga abhi kuch time pehle hi, that was in the news. So this is what China is trying to do. कि यहाँ, because the future is everything, the future is going to be your digital, आपका सारा digital वो है, ठीक है, e-commerce is going to be your future, तो वो सारी चीजों पे वो capture कर रहा है, तो that is what China is doing. इसके कुछ examples लिखना चाहो तो लिख सकते हो. Example, China, Chinese company
हुवेई है ना, क्या बोलते हैं इसको, हुवेई has signed an agreement to construct peace, P-E-A-C-E, to construct peace, that is Pakistan, East Africa Cable Express, that would connect Pakistan to Kenya via Djibouti, जहां पे इसने नेवल बेस बनाया है, पाकिस्तान टू कीनिया वाया जिबाउती, ठीक है, उसी तरह बांग्लादेश, इट हैज इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट सरकार थ्री, अंडर बांग्लादेश विजन 2021, टू क्रिएट पब्लिक नेटवर्किंग लिंकिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, then this BDAO satellite network, it is using, हमने किया था ये space, जब हमने किया था space diplomacy class में BDAO network की बात की थी, so हम ये जो है अपना network जो है, जो इनका satellite system है BDAO, उसके साथ internet connectivity कर रहा है आसपास, हम चाह रहे थे कि south asian satellite से हो, but ये चाह रहा है अपने satellite को करना, तो BDAO, then Nepal को internet connectivity दिया, I'm giving you थोड़े से examples, जिस जो भी आपको वहाँ exam में याद आ जाए, अगर question आता है तो, Alibaba massive investment in, Alibaba's massive investment in Pakistan, Malaysia to develop e-commerce, फिर अली पे जो है ऑनलाइन पेइंग प्लेटफॉर्म भी जगह जगह बना रहा है हर कंट्री में, अली पे, अली बाबा का अली पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट इज डेवलपिंग, ठीक है, सो व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर दिस, एक तो हमने साउथ एशियन सैटेलाइट किया, ठीक है, जो किया है ना साउथ एशियन सैटेलाइट, एंड टू डेज बैक यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर दैट इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट वार्निंग अबाउट योर फ्लैश फ्लड्स इन द एशिया, पढ़ा था ये, तो ये सारे जो एक एक लाइन पढ़ते हो ना वही आपके एग्जाम्पल्स हैं कि व्हाट इंडिया इज डूइंग टू काउंटर, वन इज अ साउथ एशियन सैटेलाइट, then India has launched rupee card, जैसे इनका ये ना अली पे, हमारा रूपे, India has launched rupee card, फिर the भीम QR code, भीम BHIM, भीम QR code, and SBI's, the State Bank of India, SBI's cross border remittances app in
सिंगापुर। ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्रोबेबल चैलेंजेस दैट चाइना माइट बी फेसिंग और चाइना इज फेसिंग इन दिस डिजिटल कनेक्टिविटी? चैलेंजेस क्या है डिजिटल कनेक्टिविटी जो चाइना कर रहा है? द कंट्रीज वेयर इट इज इन्वेस्टिंग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहाँ का जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वेरी गुड, देयर इज डिजिटल इलिटरेसी ऑल्सो देयर। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर वुड नॉट बी गुड तो प्रॉफिट मेकिंग उतना नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, सो चैलेंजेस जो है अभी चाइना को, नंबर वन इज योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्रीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्रीज इज वीक, हेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड बी मोर। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिट्स वुड बी लेस। अनदर इज इश्यू ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन दीज कंट्रीज। ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द रेपुटेशन ऑफ चाइना हैज गॉन डाउन, सो डाउट बाय ऑन चाइना ऑन योर डेटा सिक्योरिटी, जैसे आपका अभी कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ, ये सारे केसेस हुए उसके बाद चाइना के ऊपर, बिकॉज द सिस्टम इज़ वेरी ओपेक, चाइनीज गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, है ना, बिकॉज उनका जो कम्युनिस्ट वो है और सेंट्रली कंट्रोल्ड चीज़ें हैं, तो सिस्टम इज़ वेरी ओपेक। एंड सीइंग द रेपुटेशन, अभी जो चाइना की रेपुटेशन हुई है BRI प्रोजेक्ट्स में, नो बडी इज गोइंग टू ट्रस्ट चाइना। सो देर इज अनदर पॉइंट यू कैन राइट, इश्यू ऑफ मिसट्रस्ट ऑन चाइना एज कंट्रीज फियर their data could be misused so these are some of the aspects with respect to your digital thing. Korea, because Mr. Moon was here, Jay Moon was here, South Korea is important and North Korea ka bhi current mein what has happened, so let us talk about Korea. What has happened in the North Korea recently? There has been a peace talk Kim and Trump ke beech mein, and in the month of May our Minister of State for External Affairs Mr. VK Singh has also visited Korea, North Korea rather, hai na, not Korea but ki North Korea. So see, the North Korea is, why is North Korea important for us? Yes, North Korea ka, we are one of the largest trading partner. Theek hai, hum jo hai North Korea ke sath first 5 mein aate hai, we are among the first 5 trading partners of North Korea. Even during jo abhi matlab in these past few years we have been doing trade with North Korea. It was only when North Korea tested the ballistic missile we banned all kind of trade except food and medicine. ठीक है, वो हमने humanitarian grounds पे रखा, but otherwise जो है हमने जो है North Korea के साथ कोई relationship नहीं रखा. But otherwise like if you see the history of Korea, आप सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो India has
played a very great role in the Korean Peninsula. जब इनका Korean Wars end हुआ था, that time also जो repatriation commission था, neutral national repatriation commission, India was the chair. So India was responsible for the fate of 20,000 war criminals. उनका peaceful repatriation करवाया, means अपनी अपनी countries और कुछ India में भी आ गए, जो कहीं नहीं गए वो कुछ India में भी आए. तो India had played a role in that. Then apart from that, NAM में भी इसको लाने के लिए India has helped to bring it in NAM, North Korea को. इसके अलावा जो था, जब North Korea में 2010 में जब food crisis था, ठीक है, that time also North Korea has rejected the aid from USA, but it has approached India. हमने उनको food के लिए aid भी दिया, तो we have a cordial relationship. But since जब से वो nuclear bomb testing और वो सारी चीज़ें रही, तब से North Korea के साथ. And moreover, in Dehradun, like the center for your nuclear education है जो आपका Dehradun में, we have been training the North Korean scientists also there. ठीक है, तो अब ये अलग बात है कि वो गड़बड़ हो गई, बट द थिंग इट्स नॉट आर फॉल्ट, है ना, हमें थोड़ा ना पता था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं. इट्स नॉट कि हमारी ट्रेनिंग ने उनको क्या, बट येस द पर्पस इज कि येस वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज नंबर वन इज नॉर्थ कोरिया में अभी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है. So it's a developing country. So we also get a lot of opportunity there, business opportunities there. Then North Korea is very important for us because it has lot of minerals, especially your REE, rare earth elements. जो आपकी अभी हमारी industry develop हो रही है, we are talking about electronic industry and all, है ना, now we are thinking of. So for that, now we are trying to develop the high-end products. तो जिसके लिए हमें REE चाहिए, तो that is also there in North Korea. Then North Korea is an important pillar in your Act East policy. This is what North Korea has come to India and asked it to make it a partner in Act East policy. So if everything goes well with North Korea and if it becomes a part of your Act East policy, to ye hamare liye it will be a good thing. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर नॉर्थ कोरिया. सो रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, द रीसेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इज अ पीस टॉक बिटवीन किम एंड ट्रंप. इट इज अ गुड थिंग, स्टेबल नॉर्थ कोरिया इज एनी डे वेलकम टू अस, है ना, इट इज ऑलवेज वेलकम फॉर द रीजन ऑल्सो. एंड देन व्हेन द नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान नेक्सेस. इफ वी हैव गुड रिलेशनशिप विद नॉर्थ कोरिया तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा. अदरवाइज वॉट हैज हैपेंड इज आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो था जो है प्रोलिफरेशन हैज हैपेंड. टेक्नोलॉजी कैसे वहाँ तक नॉर्थ कोरिया तक पहुँची, थ्रू पाकिस्तान, है ना, उन्होंने चोरी छुपके वो टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर की. तो इफ वी हैव गुड रिलेशनशिप विद नॉर्थ कोरिया तो दैट नेक्सेस कैन बी कट डाउन, है ना, वो भी हो सकता है. तो जो भी अभी पीस प्रोसेस हुई है, तो स्टेबल नॉर्थ कोरिया इज़ गुड फॉर अस, जो भी है दैट इज़ गुड फॉर इंडिया. एंड स्टेबल नॉर्थ कोरिया अगर रहेगा तो हमारे एक्ट ईस्ट में भी नॉर्थ कोरिया कैन बी अ पार्ट ऑफ आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. एंड दिस पीस प्रोसेस विल हेल्प अस टू डेवलप गुड रिलेशनशिप विद नॉर्थ कोरिया. सैंक्शंस के साथ नहीं करना होगा हमें, वी कैन ओपनली हैव गुड रिलेशनशिप एंड ट्रेड विद नॉर्थ कोरिया, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अस. वन इज़ योर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सेकेंड इज़ योर रिड्यूसिंग द नेक्सेस ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर नॉर्थ कोरिया जो करेंट में हुआ. नाउ लेट अस कम टू साउथ कोरिया. साउथ कोरिया से अभी मिस्टर जे मून वॉज हियर, ठीक है, लास्ट टू लास्ट वीक ही वॉज देयर इन इंडिया. एंड साउथ कोरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज साउथ कोरिया जो है टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस, वेरी गुड इकॉनमी. ठीक है, RCEP की बात करो तो साउथ कोरिया हमारे पास आता है. ठीक है, अगर आप रीजनल ट्रेड की बात करो तो साउथ कोरिया आता है. इसके अलावा जो है साउथ कोरिया जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साउथ कोरिया इज़ प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन द पीस प्रोसेस. That is why if you could recall, Modi ji has given a statement that India is a stakeholder in the peace process. ठीक है, stakeholder क्योंकि North Korea अगर ढंग से रहेगा peace process, North Korea stable होगा तो हमारी stability, क्योंकि वो nexus बनता है North Korea पाकिस्तान का. So that is why we are a stakeholder peace process में. ठीक है, and South Korea के साथ अगर हमारे relationship अच्छे रहेंगे तो we can put our concerns through South Korea
in the peace process. And that is why we are a stakeholder. The statement was that. Okay? So, apart from that, economic relationship with South Korea is very important. South Korea has lot of technology which we can take. Usse. Even social infrastructure mein South Korea has helped. Hamara MOU sign hua hai. Isne bahut sare schools mein, bahut sare skill development programs we are doing with the help of South Korea. And then what has happened is South Korea has come out. I will just dictate you the points South Korea ke. South Korea has a policy called, जैसे हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी उनकी साउथ पॉलिसी है ना. साउथ कोरिया इज लुकिंग टुवर्ड्स साउथ. तो जो साउथ कोरिया इज लुकिंग टुवर्ड्स साउथ, तो वो साउथ की तरफ वो भी अपना जो है रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है और कंट्रीज़ के साथ. क्यों बनाना चाह रहा है पॉलिसी में, जो उसने पॉलिसी डिफाइन की अपनी बनाई है, साउथ पॉलिसी जो उसने बनाई है, सदर्न पॉलिसी, दैट इज़ वेरी, इट हैज़ मेड द पॉलिसी बिकॉज इट वॉन्ट्स टू चेक or reduce its dependence on China and USA. Basically, South Korea jo hai, uski economy is manufacture, export-led hai. Theek hai, to abhi trade war ho gaya. To uski, to, or it is a part of the, jo humne kal baat ki thi, supply chain ka part hai. To iski economy bhi hil gayi. जो हमने ट्रेड वॉर्स में सप्लाई चेन कंट्रीज़ की बात की थी, तो इसकी इकॉनमी भी हिल गई. तो of course it will look for newer markets, number one. Number two, what has happened is ki it wants to reduce too much of sanctions on China, because what has happened last year when USA has stationed THAAD jab uske yahan pe khada kiya tha, to China ne uske against sanctions laga diye the. ठीक है, तो चाइना ने सेंक्शंस लगाए थे. तो इस टाइप की सिचुएशन फिर भी इन फ्यूचर इट माइट आल्सो क्रॉप अप. सो इट वांट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स मार्केट नाउ. तो इट इज़ लुकिंग फॉर अस. एंड इफ यू सी द फीचर्स ऑफ साउथ सदर्न पॉलिसी ऑफ साउथ कोरिया, इट टॉक्स अबाउट योर पीपल सेंट्रिक, इट टॉक्स अबाउट पीस, इट टॉक्स अबाउट प्रॉस्पैरिटी. है ना, जो उसकी सदर्न पॉलिसी है, इट टॉक्स अबाउट, इट इज़ लाइक पीपल सेंट्रिक. It talks about prosperity and it talks about peace. तो अगर आप देखोगे तो ये सारे features हमारे Act East policy के हैं. People centric, if you could recall Act East policy में, it's not only about economic, it's also about social infrastructure, cultural infrastructure that we talk about. तो ये जो है आपका साउथ सदर्न पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, ये दोनों जो है आपस में कन्वर्ज करती हैं. तो अनदर पॉइंट वेयर वी कैन मीट, है ना. अब प्रॉस्पेरिटी की बात है मीन्स इकोनॉमिक, पीस की बात है मतलब आपकी डिफेंस वाला जो स्ट्रेटेजिक एंगल है, वही सारी एंगल्स अगर इफ़ यू कुड रिकॉल अपनी एक्ट ईस्ट वाली क्लास, तो हमने ये सारे किए कि इट इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक पॉलिसी, रादर इट इज़ दीज थिंग्स. तो अनदर एरिया ऑफ कन्वर्जेंस जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं. एंड देन साउथ कोरिया एंड इंडिया बोथ बिलीव इन रूल बेस्ड सिस्टम्स. ठीक है, हम रूल बेस्ड, हम चाइना की तरह नहीं है कि भैया जो है आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कोई रूलिंग दिया, हम नहीं मानते. वी बोथ ऑफ अस वांट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ऑल दोस थिंग, एंड वी आर डूइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस आल्सो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. तो लिख लो थोड़े से पॉइंट्स इसके ऊपर. साउथ कोरिया importance for India. India has a South, India has a Korean plus desk in PMO. Korean plus desk. Korean plus desk in PMO since 2015 se hamare paas ye hai. Importance for us, relationship is multidimensional, economic, strategic, economic, strategic, high level government exchanges and cultural.
बायलेटरल ट्रेड है हमारा 20 बिलियन US डॉलर, एंड ट्रेड डेफिसिट है 12. Then it is a member of NSG, Nuclear Supplier Group. And can help support India's candidature in NSG. Then it can share its technical knowledge and expertise in skill development. There has been some collaboration between Samsung and MSME. Micro, small and medium enterprise, MSME, to set up technical schools across India. Then, the new southern policy of South Korea, which has people-centric prosperity and peace, as its base, finds convergence with our Act East policy. Then South Korea is export-led economy. Heavily dependent on US and China. Next line, after the recent trade wars between these two, it is facing issues as it's a part of supply chain plus the case of Chinese sanctions on South Korea. The case of Chinese sanctions on South Korea after third deployment is pushing South Korea for newer markets. And India is a natural option. Both believe in rule-based system and promotes freedom of navigation.
ठीक है. एरियाज वेयर दे कैन कोलैबोरेट, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज में बिकॉज इट हैज टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स. बहुत सारे स्टेंट वगैरह आते हैं ना आपके जो मेडिकल में यूज होते हैं, बहुत सारे आपके कोरियन ओरिजिन के हैं, है ना, एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. देन अनदर लिख लो, साउथ कोरिया इज प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन यूएस नॉर्थ कोरिया पीस प्रोसेस. यूएस नॉर्थ कोरिया पीस प्रोसेस. Hence, a good relationship with South Korea is always beneficial for India. To put forward its concerns. इश्यूज क्या है? देखो हमारा जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है जबकि होना चाहिए इतना. आपका जो है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है बहुत ज़्यादा हमारे बीच में इश्यूज हैं. टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स का इश्यूज हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में. RCEP में भी वही है, वो बोल रहा है आप मैन्युफैक्चरिंग ओपन करो, हम बोल रहे हैं कि नहीं हम ये करेंगे. तो थोड़े से आपके इश्यूज हैं, बट ओवरऑल नाउ इट इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यूअर मार्केट. एंड आज के टाइम पे आपका जो है जियो पॉलिटिक्स इज ऑल जियो इकोनॉमिक्स, है ना, सारे रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स.